गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। साउंड कम करिए थोड़ा। बस भाई, YouTube पर जितने विद्यार्थी हैं सब लोग फटाफट सेशन को जरूर शेयर करिए अपने मित्र के बीच, है ना? है? बैटरी सही है? नहीं, आज चेंज किए हैं पिछले के पिछले बैच में, है ना? आज नहीं होगा दिक्कत। सही कह रहे थे आप। एलपी का बैच कम से कम फ्री कर दीजिए। ये कम से कम फ्री में ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, इनका कहना है एलपी का बैच कम से कम फ्री कर दीजिए। ये तो तब लिखता जब हम कुछ फ्री नहीं करते, है ना? कम से कम ये कर दीजिए, तो ये तो किए ही, है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, यदि 250 रुपये से 400 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई कपड़ों की कुल वस्तु है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जहां तक फ्री की बात है तो अभी आप अभी YouTube पर विद्यार्थी को देख लीजिए, अभी लगता है कि कितना 50-52 को देख रहा है ना? अब यही चीज हम पेड करते हैं तो हजारों हजार लोग जुड़ता है, पता नहीं है। इसलिए तो हम फ्री में पढ़े भी नहीं करते हैं, है ना? शुरुआत में देखा था, फिर धीरे धीरे जो है ना कहानी खत्म है। अब 42 वो देखता है, 38 वो देखता है, एक दिन बंद कर देंगे, गुस्सा आएगा तो, है ना? फिर पेड कर देंगे। आपको नहीं लगता है? अब देखो एलपी अब फ्री है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं फ्री कर दिए, लेकिन हमें पता है आप जज्बा जुनून के साथ 10 दिन पढ़िएगा, फिर उसके बाद वही लापरवाही आपका, है ना? तो कोई मतलब नहीं है। उससे दिक्कत क्या होता है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो मात खा जाता है, फिर उसको सुविधा नहीं मिल पाता है ना? तो ठीक है, बाकी जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करिए। देखो कोई भी चीज में जब तक आप रेगुलर नहीं रहोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, है ना? बाकी आप जवान आदमी है, समझदार आदमी है, खुद आप चीजों को समझ सकते हैं, बच्चे तो आप लोग हैं नहीं, सही बात है ना? और आपको नहीं लगता है, थोड़ा डेप्थ में चीजों को सोचिए, जब तक आप रेगुलर नहीं रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि हमारे ही पास है, हमारे ही चैनल पर, कहीं भी बस पढ़ो आप, रेगुलर में पढ़ो आप, है ना? तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपका मान लेते हैं 4 दिन बहुत मेहनत से पढ़े, बहुत मेहनत से पढ़े, और आगे का 10 दिन गैप कर दिए, तो 4 दिन में जितना आपने मेहनत किया था ना, सारा पर पानी फिर जाएगा उस 10 दिन में। फिर अगले दिन आपको फिर एक नए सिरे से शुरुआत करना होगा। तो ये चीजें गलत है, ये बिल्कुल तरीके सही नहीं है ना? तो एक सही तरीके से पढ़ाई करिए, जल्दी आप मंजिल तक पहुंचिएगा, नहीं तो फिर करते रहिए हार्ड वर्क, है ना? स्मार्ट वर्क करना है। देखते हैं रिक्शा वाला जो है, क्या है, रिक्शा वाला भी 35-40 हजार कमा लेता है कोनो कोनो, ऐसा बात नहीं है। वो बैंक का क्लर्क भी 35 हजार कमाता है, इसका मतलब क्या है? रिक्शा वाला बैंक क्लर्क से बेस्ट हो गया? नहीं हो गया। बैंक क्लर्क क्या है? फर्स्ट क्लास का आपका एसी में बैठा हुआ है, स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? हार्ड तरीके से खींच रहा है 4 आदमी को बैठा करके, है ना? तो पैसा ही कमाना जो है बहुत बड़ी चीज नहीं होता है, पैसा तो हर लोग कमा लेता है, आप लोग अनेकों चीजें जानते हैं, नहीं? पैसा हर लोग कमा लेते, तो थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से भी काम करना है। अभी आपको पैसा आप नहीं कमा रहे, आपको उसके लिए काम कर रहे हैं, तो काम करिए एक स्मार्ट तरीके से करिए, है ना? हार्ड वर्क नहीं कि 4 दिन पढ़े, 10 दिन गैप किए, सब भुला गए, फिर 11वां दिन से फिर नया शुरुआत, फिर भुला गए, फिर नए सिरे शुरू, तो वो शुरू ही होते रहेगा, कभी अंत नहीं होगा उसका, है ना? चलिए, तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका लॉजिक यही है, आपसे लास्ट में क्या बोलता है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है ना? मैक्सिमम प्रॉफिट आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो एक चीज समझिए, मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब खरीदेंगे हम सबसे कम में आप बेचेंगे सबसे ज्यादा में, जितने कम में खरीदेंगे सामान और उतने ज्यादा में बेचेंगे उतने ज्यादा लाभ होगा। सही बात है, जितने कम में खरीदेंगे और उतना ही ज्यादा ज्यादा में बेचेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सीपी क्या होना चाहिए, मिनिमम, और एसपी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप देखिए सीपी का रेंज है यहां से यहां तक, तो सीपी को हम लेंगे मिनिमम वाला, छोटका वाला। एसपी है यहां से यहां तक, तो एसपी क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तभी जाकर के मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। अब आप बताइए कि 250 में खरीद के
और 550 में बेचेंगे तो 300 रुपए फायदा एक वस्तु पर होगा। सही बात है, 300 रुपए का फायदा कितने वस्तु पर? एक वस्तु पर। क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तु का फायदा बताओ कितना हो जाएगा, तो 12 वस्तु का फायदा कितना हो जाएगा? 12 × 300 यानी आंसर कितना हो जाएगा? 3600। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। सही बात है, मेरी बात को समझिए। एक वस्तु पर मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब खरीदेगा कम से कम में और बेचेगा ज्यादा से ज्यादा में। तो क्रैमूल आप ये लीजिए और बी क्रैमूल आप ये लीजिए, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। एक वस्तु के लिए प्रॉफिट बनेगा 300 रुपये, तो 12 वस्तु के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12 × 3600। बड़े आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है सुनिएगा। एक त्रिभुज एबीसी में आप देख लीजिए सारे विद्यार्थी, यहां पे त्रिभुज ए है, फिर बी है और ये सी है। कहता है ए 100 डिग्री है, ये पूरा 100 है, और कह रहा है एडी परपेंडिकुलर बीसी है। आप देख सकते हो एडी जो है ना, एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब लंब है, यानी यहां भी कोण 90, इधर भी कोण 90। फिर क्वेश्चन कहता है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब हो गया बाइसेक्टर, कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। तो आप बताइए ये पूरा आपका 100 डिग्री था और एडी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इधर भी 50 होगा और इधर भी, पूरा जो 100 डिग्री है वो टू इक्वली पार्ट में बढ़ जाएगा 50-50, जबकि ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन में एंगल बी का मान कितना होगा, तो आप ही बताइए ना। इस त्रिभुज में चलेंगे और इस त्रिभुज में एक कोण कितना? 90 और ये कितना? 50, 140। तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 और 50 140, तो ये कितना हो जाएगा? 40। तभी ना 180 पूरे का आंसर हो गया हमारा। बहुत ज्यादा इसमें कलाकारी नहीं करना है। सवाल क्या कहता है कि ये लंब भी है और एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रेखा भी है। तो पूरा 100 था, 50 हो गया और ये 90, तो ये 40 हो गया तीसरा कोण। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। आइए यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी सवाल संख्या 3, ऐसा सवाल आप 10th क्लास में पढ़े होंगे और 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। ये सवाल डिटो एकदम है ना, सेक देता है, कभी 10 देता है, कभी साइन देता है, इस तरीके से आपका। कहता है ए और बी के बीच किस संबंध के लिए समीकरण इतना जो है वो क्या है? संभव है, संभव है। अब देखो जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़े थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, वहां पे हम लोग इनइक्वालिटी के हेल्प से बनाते थे। साइन थीटा का मान -1 से बड़ा बराबर और +1 से छोटा बराबर, इसके मदद से बनाते थे। खूब लंबा तरीका होता था आपका, है ना। लेकिन कंपटीशन में ये मेथड उचित नहीं है, है ना। साइन थीटा का मान नहीं पता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। साइन थीटा का मान -1 से बड़ा बराबर, +1 से छोटा बराबर था, इसके बाद आगे बढ़ाते थे। लेकिन ये सब काम आपको करना यहां पर नहीं है। आप सीधे इस सवाल को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए। सवाल कहना है कि ए और बी के बीच कौन सा सही संबंध है जिसके लिए इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा। आपको पता है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना? +1। यानी साइन थीटा का जो मान होगा वो -1 के बराबर या उससे बड़ा होगा, नहीं तो +1 के बराबर या उससे छोटा होगा। बताइए साइन का मान कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है? मैक्सिमम मान 1 है, 1 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता है। और साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, -1 से कभी कम नहीं हो सकता है। पता है सबको, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, ना 1 से ज्यादा होगा और ना ही -1 से कम होगा। 1 से 1 तक साइन की वैल्यू होगा आपका। तो आइए ना यहां पर देखते हैं कि आखिर यहां पे अल्फा नहीं है जी, यहां पे ए है, समझे। यहां पर कौन सा सही हो सकता है? तो आइए ऑप्शन नंबर ए पर हम ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? ए बराबर बी, यानी ए और बी की जगह बराबर मान ले लो, कुछ भी 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी आप ए और बी के जगह पर आप ले लीजिए। हमने 2 ले लिया तो बताइए ऊपर में 2 + 2 बराबर है, मतलब ए भी 2 है और बी भी 2 है, और फिर नीचे में 2√2 × 4, तो क्या 4 ऊपर नीचे कट गया, तो कितना हुआ? 1। क्या यह संभव है?
साइन थीटा बराबर वन संभव है? है, तो आंसर हो गया आपका ये। साइन थीटा का मान वन तो होता ही है। जरा एक और ऑप्शन कोई चेक करिए, एक और ऑप्शन कोई चेक करिए, कौन सा बी नंबर चेक करिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या यहां पे लिखता है कि ए का मान बी से छोटा है और बराबर भी है, तो बराबर पर तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है। इसको हम कब मारेंगे, जब बराबरों पर सेटिस्फाइड करे और छोटा पर भी सेटिस्फाइड करे। तो चलिए ना छोटा लेते हैं, बी का मान ले लिया 9 और ए का मान ले लिया 4, जांच करने के लिए ए बी से छोटा है। आप तो नहीं रखिए 4 और प्लस 9 13, और बोलिए 4 गुणा 9 36, और 36 का वर्गमूल 6, तो कितना हो गया 13/12 से भाग देंगे तो 1 point something आएगा। आप बताइए साइन का मान कभी भी एक से ज्यादा होता है, और जबकि बी नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है 1 point something, 1 से ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब क्या है गलत है। तो याद रखना सी में भी वैसे सोचिएगा तो गलत हो जाएगा, डी में भी ऐसे सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी साइन थीटा का मान इतना तभी होगा जब ए और बी का मान आप क्या लीजिएगा, बराबर लीजिएगा। बराबर लीजिएगा तो मान आएगा 1 और साइन का मान 1 होता है, और बाकी अलग ले रहे हैं तो साइन का मान क्या हो रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है। और साइन का मान आप जानते हैं कि एक से ज्यादा तो होता नहीं है, मैक्सिमम तो एक ही होता है, इसलिए संभव है ऑप्शन नंबर ए के तहत ही। आपका कुछ कहना चाहते हैं कोई बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम में जानते यही तरीके लगाइएगा, सबसे आसान आपका है, ना तो सब माथा पच्ची करेगा, कोई मतलब नहीं है लगाने का, जल्दी से बनाना है सवाल को। देखिए थोड़ा सा भाषा हमको भी थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा उम्मीद तो है ना, है? हाँ देख लेते हैं, लेकिन कुछ तो सोचेंगे ही है ना। सवाल कहता है किसी संख्या के 3 गुने में से कोई संख्या है, संख्या को यहां पर जैसे x कह दिए कि 3 गुने में से 13 घटाने पर प्राप्त परिणाम डॉट 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 होता है। इसका मतलब संख्या के 3 गुणा में से 13 घटाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है क्या परिणाम यहां पर हो सकता है, होता है, और जो भी यहां पे होगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस सवाल में जानते हैं आपको ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो अननोन यहां भी है और अननोन यहां भी है, जबकि इक्वेशन एक बन रहा है, तो एक इक्वेशन से कभी 2 वेरिएबल का मान नहीं निकलता है, है ना। तो यहां पर आप ऑप्शन से ही लेके चलिए, एक बार आप 6 लेके चलिए, आप 6 लेके चलिए एक बार ऑप्शन नंबर ए, और देखिए एक्स का मान क्या आता है। तो हम देख पा रहे हैं 13 और 6 कितना 19 और 3 से 19 पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगा। आप 7 जरा लेके देखिए वहां पर, तो 13 और 7 20 भी 3 से पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। एक बार 9 पे ट्राई करो आप, तो 13 और 9 22 भी 3 से पूरा नहीं कट रहा है, नहीं ना। तो यहां पर 8 पर आइए तो देखिए 13 और 8 कितना, तो 3x बराबर 21, तो x बराबर, यानी यहां पर जो बोल रहे ना किसी संख्या, ऐसे थोड़ा सा इसको लिखना चाहिए था कि संख्या इंटीजर होना चाहिए, लेकिन वो लिखा तो नहीं है, है ना। लेकिन मजबूरी में क्या करिएगा, इन 4 में से यही होना चाहिए, ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, जोड़ इसी पर होना चाहिए, आपका संभावनाएं इसी पर बन रहा है, बाकी तो 3 को तो दूर दूर तक नहीं है, पॉइंट में आपका दे रखा है। थोड़ा लिख देता ना कि संख्या इंटीग्रल होना चाहिए तो पूरा 100% क्लियर हो जाता आपका चीजें, लेकिन नहीं लिखा है तो आपका सोच कहीं ना कहीं यही होना चाहिए, और आंसर भी हमारे ख्याल से आपका सी ही होना चाहिए। क्योंकि 8 यदि हम लेते हैं तो एक्स का मान क्या आता है, एक इंटीजर आता है, संख्या 7 आता है आपका। और वैसे बाकी अन्य ऑप्शन हम परिणाम के जगह पर लेते हैं जैसे 6, 7, 9, तो एक्स का मान क्या आता है, पॉइंट में आता है, है ना, और ये कहीं ऑप्शन में इंटीजर आता है, तो यही होना चाहिए। नहीं ऐसे लिखता कि संख्या इंटीजर है तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन नहीं लिखा है तो क्या करिएगा, बोर्ड का भी आंसर आपका यही दिया हुआ है। कुछ कहना चाहते हैं बोल सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसी स्थिति कभी कभी सवाल में पैदा हो जाता है, थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से अपने आप को सोचना पड़ता है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए हमारा बहुत लंबा चौड़ा लिखा है,
इसका आंसर बताइएगा। 1800 आ रहा है, देखते हैं। देखिए ना, सोनू और मोनू मिलकर एक दीवार 6 दिन में बना सकते हैं, ऐसा यहां पर क्वेश्चन कह रहा है। सोनू और मोनू की यदि बात करें, सोनू और ये हो गया आपका मोनू, एक दीवार को 6 दिन में मिलकर बना सकता है। फिर आगे बढ़िएगा तो मोनू और मोहन मिलकर उस दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। मोनू और मोहन, एम ओ लिख दिए, मोहन समझिएगा, कितने दिन में? 12 दिन में बना सकते हैं। इसके बाद कहता है सोनू और मोनू 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब किसी का समय नहीं दिया तो क्या कर लेंगे यहां पर हम? एलसीएम कर लेंगे। बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 6 दुना 12 और 12 एकम 12 हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया कितना? 12, और सोनू और मोनू की इफिशियंसी 2 और मोनू और मोहन की इफिशियंसी 1 हो गया। सवाल क्या कहना है कि सोनू और मोनू 5 दिन तक एक साथ काम करते। एक बात बताना, सोनू और मोनू 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1 दिन में जब 2 काम करेगा, जबकि उसने 5 दिन काम किया है तो 10 काम कर दिया। 1 दिन में 2 काम करेगा तो 5 दिन में 10 काम करेगा। तो आप बताना जरा कि 10 काम जब करेगा तो बचेगा कितना? 2 काम बच गया। 12 काम में 10 काम किया तो 2 काम जो है आपका बच गया है, 2 काम बच गया है। आगे पढ़िए, कह रहा जिसके बाद वे दोनों बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तब कहता है शेष काम मोहन द्वारा 10 दिन में किया गया। बात को समझो, ये जो 2 काम बचा था ना, वो मोहन किया कई दिन में? 10 दिन में। आप बताइए, ये मोहन का 10 दिन का काम है, कितने दिन का काम है? तो 10 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या 1 दिन का काम निकल जाएगा मोहन का? ये 10 दिन का काम है, बचा हुआ काम को मोहन 10 दिन में करता है। 10 से यदि डिवाइड करेंगे तो मोहन का 1 दिन का काम हो गया। और मैं आपको बता दूं कि 1 दिन के काम को ही तो इफिशियंसी कहते हैं। ये मोहन का इफिशियंसी हो गया 0.2, मोहन का इफिशियंसी हो गया 0.2। बोलिए, इन दोनों का इफिशियंसी 1, आज इसमें मोहन का 0.2, तो इसका कितना? 0.8। आप फिर बोलिए, मोनू का 0.8 और इन दोनों का एफिशिएंसी 2 और मोनू का 0.8, तो सोनू का 1.2 हो जाएगा आपका। देख रहे हैं, सबका एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी चाहिए यहां पर, जो कि सब में निकल गया। अब कहता है, सुन लो, यहां पर कहता है कि किए गए काम का कुल भुगतान 3600 रुपया है, यानी टोटल जो वेजेज है, मजदूरी है, वो आपका 3600 रुपया है, जिसे 3 व्यक्तियों के बीच विभाजित करना है। तो कुल भुगतान में से सोनुआ का हिस्सा कितना है आपसे पूछा जा रहा है, सही बात है ना। सोनू का हिस्सा कितना आपसे पूछा जा रहा है। देखो, बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। आप बताइए, सोनू 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 1.2 काम 1 दिन में कर सकता है, 1.2 काम। अच्छा, सोनू किया है कई दिन काम? 6 दिन। कहां 5 दिन किया सोनू? सॉरी, सही बात है। यहां पे क्या कर रहा है कि सोनू और मोनू 5 दिन तक काम किया है, फिर उसके बाद सोनू कभी किया नहीं, यानी सोनू 5 दिन काम किया। तो 1 दिन का 1.2, तो 5 दिन का 6, यानी 6 काम जानते हो सोनू किया। अब इतने पर माथा लगा लेंगे कि टोटल 12 काम था और उसके बदले पैसा है कितना? 3600। टोटल 12 काम जिसके लिए पैसा कितना है, और सोनू कितना काम किया है? आधा काम कर दिया सीधे, 12 का आधा, संपूर्ण काम का आधा काम सोनू किया है, तो क्या पैसा आधा नहीं लेगा? तो 3600 का आधा कितना? 1800। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बाकी मोनू और मोहन के फेरा में नहीं रहना है, बस यही हो गया। वैजे जो मजदूरी होता है किसके आधार पर मिलता है? काम के आधार पर मिलता है। जो जितना काम करेगा उसी के अनुसार मजदूरी मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सोनू का 1 दिन का काम 1.2 है, जबकि 5 दिन काम किया है, यानी 6 काम कर दिया। आधा काम पूरे का सोनू किया, तो पैसा भी क्या लेगा? आधा लेगा। 3600 का आधा 1800 हो जाएगा आपका। चलिए, कहिए कुछ कहना है तो याद रखना, 1 दिन के काम को हम इफिशियंसी कहते हैं।
इसमें एगो का निकलने भर दे रहे, एगो का निकलेगा धड़ाधड़ सबका इफिशियंसी निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और ये रहा हमारा सवाल संख्या 6। देखिए क्या कहता है, कहता है 370 रुपए को तीन पार्ट में बांटना है, दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है। बात समझिएगा, यहां पर दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है ना। तो यहां पर देखिए दूसरी भाग, दूसरा भाग और यहां पर तीसरा भाग, दूसरा भाग तीसरे भाग का, तीसरे भाग का जिसमें का लगा रहे वो नीचे, तो तीसरा भाग 4 है और दूसरा भाग कितना है 1 है, तो यहां कर देंगे 1:4। आगे बढ़िए, कह रहे पहला भाग और तीसरा भाग का रेशियो कितना है 3:5 है। इसको बैलेंस नहीं करिएगा, थोड़ा बैलेंस कर दीजिए ना, इसमें तीसरा भाग कितना है और यहां तीसरा भाग, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा तभी तो बैलेंसिंग होगा। तो ये 4 से गुणा कर देंगे यहां और ये 5 से गुणा कर देंगे यहां। अब यहां 4 से गुणा तो यहां भी, और यहां 5 से गुणा तो यहां भी 5 से गुणा आपका, सही बात है। देखिए दोनों में कॉमन है तीसरा भाग, तो बराबर हो गया 20 20, यहां 4 से तो यहां भी 4 से, यहां 5 से तो यहां भी 5 से। अब देखिए तीनों का अलग अलग हो गया, बोलिए पहला भाग कितना 12, दूसरा भाग कितना 5 और तीसरा भाग कितना 20। सवाल कहता है तीसरे भाग और कुल धनराशि यानी तीनों मिला के अनुपात क्या होगा, तो तीसरे भाग को अलग लिखिए कितना 20, और कुल धनराशि यानी तीनों मिला करके, तो जोड़िए ना सब लोग, पहला कितना 12 और दूसरा कितना 5 17 और तीसरा कितना 20, जोड़ दीजिए 37 हो गया। तो आंसर कितना 20:37, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा तीसरा भाग को पहले लिखना है 20 और इसके बाद है कुल धनराशि यानी तीनों मिला के लिखना है, तीनों जोड़ के, तो पहला 12, दूसरा 5 17 और तीसरा 20, 17 20 37 हो गया। देखिए जी ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है जी कि वह न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या है जिसे 1135 में जोड़ने पर इन सब से पूरा पूरा कट जाए। क्या आप इनका एलसीएम बता सकते हैं? 60 होगा, 60 होगा। सवाल का कहना है कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़े किससे 1135 में, कि 60 से क्या हो जाए कट जाए आपका। वह न्यूनतम संख्या इसमें क्या ऐड करे कि जो रिजल्ट मिला वो 60 से पूरा पूरा कट जाए। 60 क्या, इन सब का एलसीएम है, इन सब से कटने का मतलब है 60 से कटना। ऑप्शन से देख लीजिए उत्तर दिख रहा है 5, दूसरा कोई चांस नहीं बनता है ना। कैसे मैं समझा रहा हूं सुनिएगा, अगर आप सपोज 3 सोचते हो यहां पर, तो 3 सोचेंगे तो कितना हो जाएगा 1138 हो जाएगा। आप बताइए 1138 कभी 60 से कटेगा? अरे 60 से कटने के लिए 0 चाहिए इकाई स्थान पर, 60 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक 0 रहेगा, सही बात है। अगर हम 3 जोड़ते हैं तो बन जाएगा इकाई अंक 8, कभी 60 से कटेगा? नहीं कटेगा। आ जाइए हम 4 पर देखते हैं, 35 4 39 इकाई अंक 9 आएगा, कभी 60 से कटेगा? नहीं कटेगा। दू रखिए तो 5 2 7 इकाई अंक आएगा, कभी 60 से कटेगा? 60 से वही कटेगा जिसका इकाई अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये भी नहीं होगा तो उत्तर कौन सा होना ही होगा, 5 रखेंगे तो 0 बन रहा है तो यही उत्तर होगा है? नहीं तो कुछ विद्यार्थी शायद 60 से भाग देकर के बनाए होंगे और जो शेषफल के आधार पर फिर आंसर किए होंगे, तो वैसे भी कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सोचिए ये बहुत कम समय में हो जा रहा है, इसी मौखिक हो जा रहा है, 5 3 8 इकाई अंक 8 कभी 60 से नहीं कट सकता है, 5 4 9 9 इकाई अंक वाला नहीं कटेगा, 5 2 7 कभी नहीं कटेगा, एक ही जगह 0 बन ही रहा है, आंसर हो गया आपका, सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है सुनिएगा,
एक समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज कहने का मतलब है रेगुलर हेक्सागोन। खाली अगर षष्ठभुज लिखा रहे तो हेक्सागोन, और समषष्ठभुज हो गया तो रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या, वैसा छह भुजा वाला आकृति जिसका सब भुजा क्या हो, बराबर हो। समषष्ठभुज में सब भुजा बराबर हो, अगर प्रत्येक भुजा 3.5 है। एक बात बताओ, समषष्ठभुज भुजा कै गो होता है, छह गो होता है, और प्रत्येक भुजा है 3.5, प्रत्येक भुजा है 3.5, एगो भुजा 3.5। कहता है कि परिमाप बताइए, मैं आपको बता दूं कि परिमाप होता है 6 गुना भुजा। एक भुजा की लंबाई पता है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 भुजा की लंबाई मिल जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई दिया है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना, 21 सेंटीमीटर आपका। सरल सवाल है, परिमाप पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 6 गुना भुजा। देखिए अगर आपसे सपोज इसमें क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल पूछता तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए √3/4 × भुजा स्क्वायर, और 6 से गुणा कर दीजिए, यही होता है आपका समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। क्यों क्यों ऐसे क्यों होता है, देखो एक समषष्ठभुज हम बना दिए, समषष्ठभुज बना दिए यहां पर, अब इसका डायगोनल ऐसे मिला दीजिए। तो ऐसा करने जानते हैं क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 छह गो समबाहु त्रिभुज बन जाता है। समषष्ठभुज का जब आप डायगोनल मिलाइएगा ये तीनों, तो 6 गो समबाहु बनेगा। पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो एक गो समबाहु का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे रेगुलर हेक्सागोन का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि समषष्ठभुज का परिमाप होगा 6 गुना भुजा, भुजा दिया 6 से गुणा कर दिया, कई सेंसर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो हम ये काम करते, सही बात है। अगर समचतुर्भुज समषष्ठभुज का अगर कहता कि परित्रिज्या बताओ कितना है, परित्रिज्या समझ रहे ना, कैपिटल आर है ना, सरकम रेडियस, तो कैपिटल आर जो आपका होता है वो हो जाएगा ए, कैपिटल आर का मान हो जाता है ए, जो भुजा रहेगा वही परित्रिज्या होगा। और अगला हो गया हमारा अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या स्मॉल आर, और ये हो जाएगा √3/2 × a हो जाएगा आपका, समझे। कभी कभी पूछ देता है इसलिए लिख दिए, बता दिए है ना, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। भुजा दे के पूछेगा परित्रिज्या बताओ तो उतने आंसर हो जाएगा, और अंतःत्रिज्या अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कहते √3/2 × भुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। यहां पर आइए, कहता है यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दो ठो सर्कल है, उसका त्रिज्या है R1 R2, और कहता है उसका सम, तो देखिए ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर। और कहता है कि इन दोनों का सम, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का सम योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बराबर में लिख देंगे पाई R स्क्वायर। नहीं, अब बताइए जी सब लोग, क्या ये पाई 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 कट जाएगा, कॉमन लेके काटिए, यदि सब में है तो काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए क्या बचा, R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर = R स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। कहां पर अवेलेबल है, बी नंबर में आपका। दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, पाई सब में कट गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहां पर क्या कहता है। देखिए कहता है एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 14 और 21 है। आप देख सकते हैं यहां पर स्मॉल आर दिया है, और ये क्या दिया है, कैपिटल आर दिया है।
स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर दिया है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक ना। एक खोखला खोखला बैलेंस समझ रहे ना, अंदर से खाली खाली होगा आपका। और बड़ी आर है, छोटी आर है, अंतर कितने का, 7 का, यानी 7 मीटर जो है चौड़ाई उसका होगा, लेयर होगा 7 मीटर चौड़ा। अब कहता है 14 मीटर हाइट है, इस पाइप को हर जगह पेंट करना है, है ना। यहां पे लिखा है इफ दिस पाइप इज टू बी पेंटेड ऑल ओवर, हर जगह पेंट करना, जितना सतह है हर जगह पेंट करना, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब। तो क्वेश्चन कह रहा है पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, जितना उस खोखला पाइप का टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही सरफेस को पेंट किया जाएगा। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, खोखला पाइप का टोटल सरफेस एरिया आता है। देखो खोखला पाइप का छोटा सा, इसे हम फोटो बना दे रहे हैं थोड़ा, ऐसे हो गया है ना। अब देखिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया जितना होगा उतने सतह पेंट होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले बाहर बाहर वाले सतह का क्षेत्रफल, तो 2 पाई बड़ी आर एच, बड़की आर लेंगे तो जानते हैं क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक होगा पूरा, है ना। बाहर में चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई बड़ी आर एच, और फिर उसके अंदर में चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई स्मॉल आर एच, इसके अंदर में चारों तरफ का। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसे 2 पाई स्मॉल आर एच, अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखो जरा, बाहर बाहर जो सतह है वो लिखा गया, अंदर अंदर जो सतह है वो लिखा गया। अब एक बात बताइए, ऊपर में देखो तो ये वाला सतह होगा ऐसे जी, ये वाला नहीं, आपको पता है इसको हम वलय बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, छल्ला, वलय। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा ही सतह जस्ट ऊपर भी होगा और ऐसा ही सतह नीचे भी होगा। तो एक वलय का क्षेत्रफल लिख के और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों सतह का हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर लिखिएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये ऊपर वाले का हो गया, लेकिन इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों सतह का हो गया। तो बाहर वाला हो ही गया, अंदर वाला हो ही गया, ऊपर वाला और नीचे वाला हो ही गया आपका। तो अब क्या बचा, कुछ नहीं ना। तो याद रखना यही टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है जब खोखला बेलन हो आपका। अमान बैठा सकते हैं, देखिए बड़ी छोटी आर के जगह बैठा देंगे 14 और बड़ी आर के जगह पर 21, एच के जगह पर 14 आपका। आप कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 पाई को आप कॉमन कर लीजिए सिर्फ, है ना। तो बड़ी आर एच आप प्लस में छोटी आर एच, आप प्लस में हो जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब बोलिए जी 2 गुना 22/7, अब थोड़ा लिखिए बड़ी आर गुना छोटी आर, तो 21 गुना 14 बता सकते हैं, 21 गुना 14 कितना होगा, 280 294 क्या 294। और छोटी आर गुना एच, तो फिर 14 और गुना 14 196 हो गया। अब बड़ी आर का स्क्वायर तो 441 और छोटी आर का स्क्वायर 196 हो गया आपका, सही बात है। अब देखिए 196 माइनस में और प्लस में कट गया, अब इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़िए सब लोग, तो कितना हो जाएगा 44/7, और इसको जोड़िए तो 4 और 1 5 हो गया, और 9 4 13 का 3 1 और 4 2 6 और 1 7 735, 7 से काट दिए तो 100 कितने बार है, 5 बार में, और 44 को 105 से गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 4620 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, 2 पाई बड़की आर एच बाहर वाले का, 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर वाले का, और पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर वाले का, और वाले ऊपर भी होगा वाले नीचे भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। क्या बोले,
हाँ 11 का मल्टीपल से कर सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है, कभी कभी दो गो तीन गो ऑप्शन 11 से कट सकता है ना बात है। इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। ऐसे इस सवाल को कर सकते हो। अगर चार मेंसुरेशन में एक चीज जानिए, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 11 का मल्टीपल ही होता है। कैसे? तब पाई आएगा तो पाई के बदले 22/7 आएगा, और 22 में 11 स्थित है, यही कारण है उसका आपका, है ना। नहीं तो सातों का मल्टीपल देखने को मिलता है, क्योंकि 22/7 नीचे में 7 आपका है। लेकिन उस पर हमेशा आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, कभी कभी दो दो ऑप्शन, कभी कभी तो चारों कटने वाला मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मूला याद हो गया? एक बार बोलिए तो फॉर्मूला। 2π R H प्लस 2π r² और प्लस में π R² माइनस r² और गुना 2, π R² माइनस r² वाले का हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 2 ताकि ऊपर नीचे दोनों का हो जाए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन जल्दी से कैसे करेंगे तो सुनिएगा। सबसे पहले इस वाले रूट को आप खत्म करो जो अंदर में है ना। इसका देखिए शॉर्ट तरीके क्या, सुनिएगा। यहां पर 2 बनाना होता है, तो बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है यहां पर। अब देखिए जब यहां पर 2 है तो रूट के अंदर वाली संख्या का ऐसा 2 फैक्टर सोचिए जिसको जोड़ने पर 19 आता है। तो 12 और 7 19/7=84 सब सेटिंग रहता है ना। हाँ 12 और 7 जोड़ दिए 19, और 12/7=84 हो गया। अब क्या करना है सुनिएगा, इसे फ्रेश लिखिए यहां पर। देखिए ऐसे ऐसे 4 और माइनस का √7 और प्लस। अब देखिए ये पूरा का वर्गमूल लिखना है तो 12 पर रूट कर दीजिए, तो 12 पे रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और 7 पर भी रूट कर दीजिए √7। अब बीच में चिन्ह क्या है तो यहां प्लस कर दीजिए, यही इसका वर्गमूल हो गया। कुछ नहीं करना है, इस पे रूट कर दो, 7 पे रूट कर दो, बीच में जो चिन्ह है आप वो लगा दो, इसका वर्गमूल हो गया। थोड़ा सा अभ्यास है, बार बार 2-4 10 बार इसको करिएगा तो फिर ये हो जाएगा, है ना। जल्दी में इसे कर सकते हैं। अब देखिए प्लस का √7 और माइनस का √7 क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर देख सकते हैं फ्रेश क्या बचा, यहां पर 4 और माइनस का 2√। आपको नहीं लग रहा फिर से एक बार वैसा ही सवाल आ गया, फिर से एक बार वैसा ही सवाल आ गया। प्लस है, हाँ प्लस है, सॉरी प्लस है ये। तब क्या करेंगे, देखिए रूट का फिर से वर्गमूल करना है जल्दी से, तो यहां पर गुणा में क्या होना चाहिए, 2, यहां भी पहले से था और सब सेटिंग रहता है, देखो 2 यहां भी आ गया। अब क्या करेंगे, 3 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर 4 आता हो, 3 और 1 जोड़े तो 4 और 3 गुना 1 3, कैसे 12 और 7 19/7=84 है ना। अब 3 पे रूट करिए √3, 1 पर रूट करिए 1, का बीच में साइन प्लस दे दिए, यही आंसर हो गया। कहां पर है, ए नंबर है, 1+√3 या √3+1 आपका याद रखना है। 2 जब भी रहेगा यहां पर, इसका ऐसा फैक्टर सोचो कि जोड़ने पर 19 पूरे और रहता है ना, बोली रहे सेटिंग रहता है। आप फिर जो 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 टूटेगा उस पर रूट चढ़ा दीजिए, बीच में साइन डाल दीजिए, हो गया इसका वर्गमूल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर यदि ए बी सी एक त्रिभुज का शीर्ष है ना, ए बी सी एक त्रिभुज का शीर्ष है। आप देखिए ना, यहां पर ए है और ये क्या है, बी है और ये सी है, त्रिभुज का शीर्ष है। ए का कोऑर्डिनेट आप सब लोग थोड़ा बता देंगे, 2 और 3 है, फिर बी का कोऑर्डिनेट बता देंगे, 3 और 7 है, और सी का कोऑर्डिनेट बता देंगे, 5 और 7 आपका है। दिया है ना। अब कहता है कि आधार एसी को मानते हुए त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, पता है आधार इसका क्या है, एसी है। अच्छा इधर वाला है, कोई बात नहीं, आधार एसी ले लिए, आधार को एसी मानते हुए इसका ऊंचाई कितना है, ये वाला आपसे ऊंचाई क्या करता है, पूछता है व्हाट व्हाट, जबकि आधार क्या है, एसी। एक बात बताइए सब लोग, क्या यहां पर दूरी सूत्र लगा करके
ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये भुजा निकाल सकते हैं आप? आता है सबको दूरी सूत्र? अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इतना रटने से बेहतर है कि दो चार बार इसको आप लिखिए, दो चार बार बनाइए तो इसका पैटर्न याद हो जाएगा। क्या करना होता है सुनिए, अंडर रूट मत रटिए वो सब, जब भी दूरी निकालना रहेगा तो एक सवाल का अंतर करिएगा, पांच में से दो घटेगा का स्क्वायर करिएगा नौ, और सात में से तीन घटेगा वाई वाले का अंतर चार का स्क्वायर करिएगा सोलह, वाई वाला का अंतर का स्क्वायर करिए और एक्स वाले का अंतर का स्क्वायर करके जोड़ दो। बोलिए पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल। तो आपको लग रहा है कि एसी का मान पांच निकल गया है ना, अब ऊंचाई निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना होगा, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला आप उधर पढ़े होंगे, आप हाफ अंडर मोड एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस वाई थ्री एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, कुछ कुछ याद आ रहा है, लंबा आपका है ना। तो दूसरा तरीके से देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये छोटा है, ये रटना नहीं है, तनी सा माथा लगाना है खाली है ना। इस सुनिए, सीखिए थोड़ा सा, इस मेथड को हम शिफ्टिंग मेथड कहेंगे यहां पर है ना। देखो शिफ्टिंग मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से क्योंकि ये नई चीज हो सकता है मैक्सिमम विद्यार्थी के लिए आपका है ना, कुछ में भी कुछ ही को पता हो हमारे ख्याल से, मैंने बैचेज वगैरह बताया है शिफ्टिंग मेथड आपका। देखिए इसमें क्या है कि इन तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जीरो जीरो पे शिफ्ट करना होता है, मतलब किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जीरो जीरो बनाना होता है। तो आप ही बताइए ना ये क्या है, यहां पर दो और तीन है, दो और तीन है, तो इसको आपको जीरो जीरो बनाना है और जीरो जीरो बना करके नया बिंदु लिखना है। तो आप बताइए ये जीरो कैसे बनेगा, जब दो क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या बनेगा जीरो, और यहां तीन घटाएंगे तो क्या बनेगा जीरो, बोलिए ना जी, नहीं बनेगा, किसी एक पॉइंट को जीरो करना है, ये शिफ्टिंग मेथड है। आइए ना, यहां दो से घटा दिए और यहां तीन से घटा दिए, तो यही काम अब हर जगह करो। बोलिए यहां दो से घटाएंगे तो कितना एक, और यहां तीन से घटाएंगे तो चार, फिर बोलिए यहां दो से घटाएंगे तो कितना तीन, और यहां चार से घटाएंगे तो सॉरी तीन से घटाएंगे तो चार, सही बात है। तो ये हमारा न्यू पॉइंट मिल गया, शिफ्टिंग मेथड कहता है कि किसी एक पॉइंट को आप जीरो कर लो, ये बिल्कुल नया तरीका है, आप सीखिएगा यहां पर है ना, न्यू पॉइंट को आप जीरो जीरो कर लो, किसी एक, ऐसा नहीं कि यही को करना है, किसी एक को कर लो। कैसे जीरो होगा तो अपोजिट साइन के साथ वही संख्या को जोड़िएगा, तो प्लस का दो है माइनस दो जोड़ देंगे, प्लस का तीन है माइनस तीन जोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये माइनस टू और माइनस थ्री सब में करना है और नया पॉइंट यहां पे लिखना है, ठीक है, नया पॉइंट लिखा गया ना। अब हमको एरिया लिखना है, अब हमको एरिया लिखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एरिया हमें लिखना है। तो एरिया कैसे लिखेंगे सुनिएगा, ये बाहर बाहर वाले को गुणा करिए है, गुणा करिए चार एकम चार, और अंदर अंदर वाले को गुणा करके घटा दो, चार दिए बारह घटा दो, और बट्टा दू अंडर मोड, एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव होता है ना जी, एरिया हमेशा धनात्मक होता है, तो माइनस में ना आ जाए कभी इसके लिए मोड लगा देते हैं। क्या करना है, बाहर बाहर वाले को गुणा करिए, यही तो जीरो है, अंदर अंदर वाले गुणा करके घटा दो, बट्टा दू अंडर मोड कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा। बोलिए कितना एरिया इसका हो गया, चार हो गया आपका, नहीं हो गया, एरिया हो गया इस त्रिभुज का चार। अब इसी को थोड़ा सा बनाइएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपका, एरिया हो गया चार। अब सुनिएगा जी, हमें कहता है ऊंचाई बताइए, तो सुनिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा दो, आधार कितना पांच, और ऊंचाई पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल है चार, क्षेत्रफल चार आया, तो एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई। बोलिए एच का मान कितना हो जाएगा, तो आठ और बटा पांच, और पांच से आठ में भाग दिया तो 1.6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो
तो ये शिफ्टिंग मेथड से एरिया आप याद कर सकते हैं, उतना लंबा फॉर्मूला करने का जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग मेथड बस यही कहता है किसी एक पॉइंट को आप जीरो जीरो कर लो। कुछ कहना है किसी को? ये बिल्कुल नया तरीका है और आसान तरीका है, फॉर्मूला याद करने से आप बच जाएंगे। शिफ्टिंग मेथड कहता है किसी एक पॉइंट को जीरो कर लो, है ना। किसी एक पॉइंट को आप जीरो पर शिफ्ट कर लीजिए, और जीरो पर शिफ्ट करने के लिए जितना से आपको यहां पर जोड़ घटाव करना ही है उतना से आपको सब में करके एक नया पॉइंट लिखना, न्यू पॉइंट। और न्यू पॉइंट जब लिखा जाएगा तो बड़ा आसान है, बाहर वाले को गुणा करके एक तरफ, अंदर वाले गुणा करके दूसरे, तो घटा देंगे बटा दू अंडर मोड, वही एरिया हो जाएगा आपका। और एरिया होता है क्या, एक बटा दू आधार गुणा ऊंचाई। आधार एसी को मानेंगे और ऊंचाई एच का मान निकल जाएगा 1.6। चलिए छापिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखिए यहां पर 13 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिएगा, सवाल संख्या 13। देखो जी बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सीआई का क्वेश्चन है। कहता है पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2592 रुपया है। देखिए फर्स्ट ईयर का सीआई दे रखा है कितना, 2592, और फिर थर्ड ईयर का सीआई दिया हुआ है कितना, 3528, और फोर्थ ईयर का सीआई आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहां पर पहला साल का सीआई दे दिया है, तीसरा साल का सीआई दे दिया, और चौथे साल का सीआई पूछता है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन जानते हैं अमाउंट पर होता है, ज्यादातर इस तरह के सवाल में बहुत ज्यादा नहीं, 10 सवाल मान के लो 8 को 9 को सवाल में अमाउंट ऐसा रहता है, सीआई रेयर होता है आपका। पहला साल का सीआई दे दिया, तीसरा साल का सीआई दे दिया, और चौथा साल का सीआई पूछ रहा है। देखिए बड़ा ये भी आसानी से कर सकते हैं, आप हमको बताइए कि इसका ये कई गुना है। आप पहले ये बताओ कि 3 साल का जो सीआई है वो 1 साल के सीआई का कई गुना है, कैसे पता चलेगा? तो 3528 में 2592 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और अंतर कै साल का ही है, 2 साल का, 1 साल 3 साल, 2 साल का अंतर ना। तो जहां तक हम उम्मीद कर पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं कि यदि आप इसको काटिएगा तो पक्का स्क्वायर नंबर आएगा ऊपर नीचे, क्योंकि 2 साल का गैप है। अगर 3 साल का गैप होता ना तो क्यूब नंबर आता आपका। आप काट के एक बार देखिए ना, कोई काटे हैं क्या? 9 से कट रहा है, तो 9 9 9 9 3 27 और 9 9 81 9 2 9 18, फिर 9 से काटिए तो 9 2 9 18 और 9 8 72 और 9 8 72, और काटिए जरा 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से काटो, 4 7 28 और 4 2 9 8, 4 से इसको काटिए तो 4 9 36 और 4 8 28, फिर कटेगा जी, यहां पे हो गया कितना, 36 हो गया, और यहां पर आया ना स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्यों आया जानते हैं, क्योंकि 2 साल का गैप है। अच्छा यानी कह सकते हैं यहां ये पैसा जो है वो 49/36 गुणा हो गया है, सही बात है। तो अब बताओ इसमें कितने का अंतर है, 1 साल का अंतर है, तो यहां पैसा कितना गुना होगा, तो इसका वर्गमूल करिए, 49 का वर्गमूल 7 और 36 का वर्गमूल 6, यानी 7/6 गुना हो जाएगा आपका। सीआई गुणा गुनी में ही तो बढ़ता है, पावर में ही बढ़ता है आपका। तो अगर ये पैसा हो गया 49/36 गुना 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा 7/6 गुना। अब आपको चौथे साल का सीआई निकालना है, तो ये वाला सीआई है ना आपके पास 3528 सही है, और जस्ट अगले साल कै गुना होगा, 7/6 गुना, तो इसका बस 7/6 कर दीजिए, आंसर हो गया। 6 से काटिए, 6 5 30 और 6 8 48 और 6 8 48, 588 को 7 से गुणा करिए, इकाई अंक 6 गुणा करिए, 4116 आपका। घन आता, घन 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 बोलेंगे, घन क्यूब है ना,
मैंने बोला ना कि जैसे जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं कि 2 साल का गैप होगा तो स्क्वायर आएगा यहां पक्का, 3 साल गैप रहेगा तो क्यूब आएगा आपका, 5 साल का गैप रहेगा तो पावर 5 आएगा। देखो सीआई में 3 साल बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 साल 4 साल नहीं देखते हैं सीआई में, 5 साल और 7 साल कहां देखने को मिलता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा ना चीजें। एसआई में कितना भी साल मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कितना आया भाई 14 का आंसर सी नंबर, क्या नहीं सी, 9 बजे है, देख लेते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, कहता है रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। देखिए इनिशियल जो उसका टाइम है वो 8:20 सुबह है, यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। बात समझिए, जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी 10 के चाल से चलता है तो 8 मिनट लेट हो जाता है, और 16 के चाल से चलता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक चीज आप नोटिस की है कि जितना दूर पहला दिन जा रहा है उतना ही दूर दूसरा दिन भी जा रहा है, पहला दिन भी घर से स्कूल, दूसरा दिन भी घर से स्कूल, यानी दूरी क्या है समान है। आपको पता होनी चाहिए कि जब दूरी समान होता है ना तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, सही बात है। तो आइए ना स्पीड का रेशियो बनाते हैं, पहले का स्पीड 10 और बाद का स्पीड 16, रेशियो कितना बनेगा 5:8। टाइम का रेशियो कितना होगा 8:5 होगा। अब देखिए टाइम कितना रेशियो में घटा 3:3 टाइम 3:3। देखो चाल बढ़ाने की वजह से समय घट गया 3:3। ऐसे भी चाल बढ़ता है, जब आप तेज गति से जाइएगा तो आपको समय कम लगेगा, चाल बढ़ा है 5 से 8 हुआ तो समय 8 से 5 होगा। चाल समय उल्टा होता है कब, जब डिस्टेंस फिक्स रहता है तब, क्योंकि हर बार घर से स्कूल जा रहा है वो, दूरी बराबर है, दूरी बराबर होगा तभी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। एक बात बताइए चाल तीन समय 3:3 में घटा है, इधर जरा देखो तो एक्चुअल समय कितना घटा है, तो पहले हो रहा था 8 मिनट लेट, अब हो रहा 10 मिनट पहले, कितना 18 मिनट का कमी हुआ। पहले टाइम से 8 मिनट लेट से पहुंचता था, अब अब है टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, तो 18 मिनट का कमी हुआ। क्या आप समझ पा रहे हैं, टाइम से पहले 8 मिनट लेट। जैसे देखो 7 बजे मान लेते हैं टाइमिंग है, मान लेते वो बात करें 7 बजे हमारा क्लास में आने का टाइमिंग है, और हम एक दिन आए 7:08 पर आए हैं, ठीक है, जो कि टाइम से 8 मिनट क्या है लेट है, और एक दिन जानते हो 6:50 में आ गए जो कि टाइम से हम 10 मिनट पहले हैं। तो एक बार बताओ कितना समय का कमी हुआ, क्या 18 मिनट का कमी नहीं हुआ। पहले पहला दिन 7:08 में पहुंचे थे और नेक्स्ट डे जो है 6:50 पहुंचे, तो 18 मिनट का यहां पर क्या हो गया, घट गया आपका समय, 18 मिनट की कमी हुआ समय में। तो यहां पर रेशियो में कितने कमी हुआ, 3:3। 3:3 का मान कितना 18 मिनट, तो 1:3 का मान 6 मिनट, तो बोलिए 8:3 का मान 48 मिनट। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल जो हमारा समय है वो कितना है 48 मिनट है, सही बात है, 48 मिनट हमारा एक्चुअल समय है। सॉरी पहले वाले, हां सुनो, पहले वाले चाल से जब हम चलेंगे तो हमको 48 मिनट का समय लगेगा, है ना मिला, जो कि 8 मिनट क्या है लेट है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम 40 मिनट हुआ। पहले वाले चाल से हम चल रहे, देखो पहले का समय है 8:48 का मान 48, यानी पहले वाले चाल चलेंगे तो हमको 48 मिनट का टाइम लगेगा, और ये 8 मिनट लेट है यानी एक्चुअल टाइम जो है वो 40 मिनट है। एक्चुअल टाइम जो है घर से स्कूल जाने का हमारा कितना है 40 मिनट है। अब सोचिए कि 8:20 में हम घर से निकलेंगे और एक्चुअल टाइम है स्कूल जाने का 40 मिनट, तो कै बजे आप पहुंचिएगा, इसमें 40 ऐड हो जाएगा तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 9 बजे। एकदम सही जवाब है सी नंबर, जिनका भी आया था। ये 48 मिनट में 8 मिनट लेट है तो एक्चुअल टाइम हो गया 40 मिनट,
घर से स्कूल जाने का, और 40 को जब इसमें हम मिनट ऐड करेंगे तो 8:20 में 40 मिनट जोड़ेंगे तो 9 बज जाएगा, आंसर सी नंबर आपका। हाँ वैसे ही बना सकते हैं। चलिए जी आइए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा सब लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संख्या 9 है, 99 है, 999 है, यहां पे 9 कम है, 4 को 9 होगा, नहीं 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9, लास्ट वाला मतलब गिने हैं कोई, कै को 9 है, 1 2 3 4 6 7 8 9 को 9 है के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। कहता है कि जब इनका औसत निकाला जाएगा तो एक बात बताइए, इनका औसत निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सुनिए थोड़ा, औसत निकालने का नियम क्या है कि सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, है ना, कै गो हो गया, 9 गो, 9 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, एवरेज इसी निकलता है, आप 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 11 बचेगा, 111 बचेगा, डॉट 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 वाई, एक 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 9 गो 1, अब बटा में 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा, आप देखिए इसको जब आप जोड़िएगा ना, से 1 गो 1 और फिर 2 गो 1 और फिर 3 गो 1 फिर 4 गो 1 वैसे 9 गो 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को एक जोड़िएगा ना, इधर देखिए 1 1 1 1 9 बार तो 9, आ फिर एक नीचे से 1 1 1 1 तो 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1, इतना आएगा। कहता है कि इसमें कौन उपस्थित नहीं है, जब यहां से यहां तक जोड़िएगा तो इसका योगफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, तो कह रहे इसमें कौन उपस्थित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 आपका, जब इसका एवरेज आया उसमें 0 अब्सेंट है, 0 उपस्थित नहीं है। बड़े जी चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया, ये देखो भाई हमारा ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, आप सब लोग जरूर देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक के चिन्हित मूल्य पर 20% के डिस्काउंट देता है, चिन्हित मूल्य मतलब क्या समझते हैं, एमआरपी वस्तु पे जो लिखा रहता है और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का वैल्यू बताइए आप लोग, 1/5, यहां पे लिखेंगे हम ऐसे एमपी लिखेंगे और यहां लिखेंगे एसपी लिखेंगे, तो एमपी देखिए 5 है और उसमें 1 का क्या दे दिया छूट, एमपी है 5 और 1 का छूट दिया तो बेच रहा है कितने में, 4 में, फिर उसके बाद सुनिए, वह 9 जोड़ी किताबों की बिक्री पर 1 जोड़ी किताबें फ्री देता है, बात समझिए, 9 गो किताब खरीदेगा तो उसको 1 किताब फ्री देगा, मतलब ये भी एक प्रकार का छूट ही है, जिस प्रकार वहां 20% का डिस्काउंट है यहां भी एक प्रकार का डिस्काउंट ही है वस्तु के रूप में, तो अगर ऐसा कभी कहेगा कि 9 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ तो एमपी का काम हो जाएगा, करेगा 9 और 1 जुड़ जाएगा, यानी 10 गो में 1 गो फ्री है तो बेच रहा है कितने में, 9 के बराबर बेच रहा है हमेशा, अभी कह लिखे ना बाय 9 गेट 1 फ्री, देखते हैं दुकान पे लिखा रहता बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसे कुछ बाय 3 गेट 2 फ्री है ना, तो दोनों को ऐड कर देते हैं एमपी, और बाई जितना कहेगा ना, जितना मैं खरीदने को कहेगा वो एसपी का काम करेगा, 9 और 1 10 एमपी, और 9 जो है क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा आपका, और छूट है क्या कुछ नहीं है। तो क्या करिए यहां पर कुछ कट भी रहा है, चलिए तो गुणा कर दिए, यहां 50 हो गया और यहां पे कितना 9 चौके 36, ऐसे दूर से कट रहा था, नहीं छोड़ दिए कोई बात नहीं, काटे तो भी ठीक है नहीं काटे तो भी ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल एमपी और ये हो गया एसपी हो गया। अब सुनिए कहता है कि पूरे लेन देन में अगर उसे 26% का प्रॉफिट होता है तो कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा करिए ना हम यहां पर सीपी लिखना चाहते हैं, सीपी लिखना चाहते हैं,
ये बताओ 36 क्या है? 36 क्या है? एसपी है। 36 जो है एसपी है। 26% का लाभ होता है तो 126 बटा 100 होल वैल्यू, इसी में उल्टा गुणा कर दिए 100 बटा 126, ये विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे क्रयमूल हो जाएगा। या फिर ऐसे सोचिए ना, ज्यादा माथा नहीं लगाना है, 26% का लाभ होता है तो विक्रयमूल 126% होगा, तो ये जो विक्रयमूल हुआ है वो क्या परसेंट है? 126%। 126 से भाग दिए, क्रयमूल निकालना तो 100 से गुणा कर दिए, ये सोचिए बात बराबर है। तो ऐसा करने से क्रयमूल निकल जाएगा, 2 से काटो 50 बार में और 2 से 18 बार में, सॉरी 63 बार में आपका, वो हमारा माथा में सेट था 18 से कट रहा था इसलिए। हाँ चलिए, अब 9 से काटिए इसको 7 बार में और 9 से कटेगा 4 बार में, तो बोलिए ये कितना हो गया? 200 अब बटा में 7 हो गया, है ना। अब देखो सुनिए, इस 7 यहां हटाइए, 7 से गुणा यहां करिए, 7 से गुणा यहां करिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल लागत मूल से कितना परसेंट ज्यादा है? देखिए यह है लागत मूल 200 और ये है अंकित मूल, कितना परसेंट ज्यादा है? बोलो कितना ज्यादा ही है? ये 350 है, कितना ज्यादा है? 150 ज्यादा है, तो 150 बटा 200 गुना 100, तो कितना परसेंट? 75% आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, हम देखेगी एसपी निकल गया है, लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो 126% का मान है, 26 से भाग देकर 100 से गुणा कर दिए, सीपी बन गया। आप फिर यहीं पे लगा दिए रेशियो के साथ, भिन्न भिन्न से थोड़ा बचने के लिए 7 को ला दिए, तो 350 एमपी और 200 सीपी, करे कितना परसेंट ज्यादा है? तो 150 ज्यादा है बटा 200 गुना 100, आंसर हो गया 75% आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जी, हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है सुनिएगा। कहता है एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई। समझे, 16 सही 2/3% का वृद्धि हुआ और दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुआ और तीसरे वर्ष में 57.7% का वृद्धि हुआ, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि 3 साल बाद जनसंख्या इतना हो जाएगी। आज का पूछ रहा, 3 साल बाद का दिया हुआ है, तो एक काम करिए ना, इसका मान भिन्न में 1/2। तो देखिए मान लिए कि वर्तमान जनसंख्या 100 है और पहला साल बढ़ा कितना? 1/2, तो 1/6 बढ़ गया तो जनसंख्या कितना हो गया? 7/6, बस ऐसा ही तो लिख देना है। अच्छा इसका मान बताओ भिन्न में कितना? 3/8, और यहां कम हो गया है जनसंख्या तो घटाइए 5/8 दूसरा साल। अब फिर सुनिए, इसका मान 4/7, ये सब ध्यान में रखा करिए, कैसे होगा? तो देखिए 1/7 का मान 14.2% होता है, ठीक है, और इसका ये 4 गुना है, तो भिन्न में भी मान इसका 4 गुना हो जाएगा, 4/7, ठीक है, 4/7 हो जाएगा। तब देखिए यहां वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है तो कितना हो गया? 11/7 हो गया आपका, और 3 बार बढ़ते बढ़ते घटते कितना हो गया जनसंख्या? 275/30 आपका। अब काट के x का मान निकालना, आंसर हो जाएगा, काटिए ना, 7 से 7 खत्म, और 11/55 से भी कटेगा हमारे ख्याल से, 55 से ही कट जाएगा 5000 बार में। करें x का मान कितना हो जाएगा? तो 8 × 6 = 48 और 48 × 5 = 240 पर 1 2 3 0 यानी 2,40,000 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ लोग शायद रेशियो से भी किए होंगे ऐसे, है ना, 6 से 6:7, 8:5 और 7:11, वही चीज है, बतिया बराबर है लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिए यहां पर सब लोग, यहां पर केंद्रक के लिए फॉर्मूला होता है,
है ना। त्रिकोण एबीसी का केंद्रक का निर्देशांक माइनस एक और चार है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है, त्रिकोण का अर्थ हो गया यहां पर त्रिभुज, कौन सा है, ए है, बी है और सी है आपका। ए का दे रखा है माइनस का तीन और कॉमा माइनस का एक, और बी का कितना दे रखा है जी, तीन कॉमा पांच। और जहां तक हम सी की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं, एक्स वाई मान लिए, और केंद्रक मतलब होता है सेंट्रोवायर्ड, जिसको हम लोग जी से दिखाते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट दिया माइनस का वन कॉमा चार। केंद्रक जानते हैं आप लोग, किसको कहते हैं केंद्रक, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, है ना, माध्यिकाओं के कटान बिंदु, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, हाँ ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो ये मीडियन हो गया, मीडियन किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट, सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट और शीर्ष को मिला देंगे उसी को कहते हैं माध्यिका। तो माध्यिका किसी त्रिभुज में तीन को खिंचाता है, एक इस शीर्ष से और दूसरा ये वाले शीर्ष से और तीसरा ये वाले शीर्ष से, और तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर मिलती है उसी का नाम क्या है, केंद्रक। केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहेंगे अंग्रेजी में, सेंट्रोवाइड करेंगे कहेंगे, और सेंट्रोवाइड को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, समझे, किसे डिनोट करते हैं, जी से, है ना। और वही यहां पर जी का कोऑर्डिनेट यहां पर दिया हुआ है, तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है, बताइए केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी त्रिभुज का केंद्रक का एक्स नियामक निकालना है तो होता है, जानते हो क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, जोड़िए माइनस तीन, एक्स वाला जोड़ेंगे माइनस तीन, अब प्लस का तीन और प्लस का एक्स और बटा तीन, यही होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, तीनों एक्स को जोड़ के तीन से भाग, तीनों वाई को जोड़ के तीन से भाग, यही तो होता है केंद्रक का फॉर्मूला। आप बताइए, ये तो खत्म ना हो गया है, तो ये तीन यहां पे गया तो माइनस तीन एक्स का मान हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, माइनस का तीन हो गया, नहीं हो गया, प्लस में तीन है, प्लस में तीन है, दो खत्म, यही दोनों में से कोई होगा। अच्छा अब वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, बोले केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, चार है, चार है, तो बोलिए माइनस वन प्लस का पांच और प्लस का वाई बटा में तीन, सुनिए तीन चौके 12, और ये कितना है, चार है, चार आके घट जाएगा 12 में से, तो y बराबर 8, y बराबर 8, तो c का कोऑर्डिनेट निकल गया माइनस तीन कॉमा आठ, ऑप्शन नंबर कौन सा, a हो जाएगा। याद रखना है केंद्रक का x नियामक जब कहेगा तो x वाले को जोड़ के तीन से भाग, और y नियामक जब कहेगा तो y वाले को जोड़ के तीन से भाग, बस यही तो होता है, x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री आपका। एक विद्यार्थी बार बार लिख रहा है फी डिक्रीज कीजिए, कौन चीज का फी डिक्रीज करे भाई, कौन चीज का फी डिक्रीज करे, कितना फी एलपी का है, ध्यान में तो नहीं है, शायद 750 है मैथ रीजनिंग दोनों का, तो ज्यादा है, आगे बढ़े, 99 में नहीं ना होगा जी, 99 में एएलपी का कंप्लीट मैथ पढ़ाना है, कंप्लीट मैथ से कंप्लीट रीजनिंग है ना, अच्छा देखो पढ़ाएंगे तो उस सब, अब देखो लिख रहा है कोनो आरपीएफ कॉन्स्टेबल का बैच दीजिए तो ओकरे में हो जाएगा आरपीएफ, है ना, वो अलग से नहीं पढ़ना है। हाँ देखो हम टारगेट को ही फाउंडेशन के जैसा लेके चलते हैं, थोड़ा डिटेल में ही कराते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा टाइम हमको लग जाता है, सातों दिन हम पढ़ाते हैं, सैटरडे संडे सब दिन, सैटरडे संडे को चार चार घंटा पकड़ के, कोई किए होंगे किसी भी बैच का टारगेट तो पता होगा आपको, हाँ देखो हाथ लोग खड़ा करा है, चार चार घंटा पकड़ के, अब वो चार चार घंटा को अगर 45-45 मिनट में डिवाइड करिएगा ना तो एक साल का कोर्स के बराबर हो जाएगा वो, तो पढ़ाना तो वही है, ऐसा थोड़े कम पढ़ाना है, रेलवे में सब है, पूरा गणित है आपका संपूर्ण पूरा, तनी सा लेवल एसएससी से कम है, थोड़ा सा है, तो
तो वही चार चार घंटा कराते हैं तो थोड़ा जल्दी होता है, और लोग को लगता है कि 2.5 महीना का तो हो ही गया है ना, है ना। तो ठीक है, एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। अब 750 में रीजनिंग मैथ दोनों है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, लेकिन और सब के लिए ऐसा नहीं कि CBT 1 में खाली काम करे, 2 में मतलब फिर रेलवे का दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आइए ना आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक दिन विद्यार्थी देखे थे, कुछ कुछ कमेंट में गलियार आ रहा था, फी ज्यादा रख दिए थे। नहीं, हमको अपना स्टाफ दिखाया, हमको टेक्निकल लोग दिखाए, देखिए ना सर क्या क्या लिख रहा है ना। तो बोले कि लिखने तो है ना, हाँ। अब लिख देखो, जो हमारा फी है वही ना हम लेंगे। अब 1250 फाउंडेशन का रखे हैं तो लेवे करेंगे, है ना। तो कहिएगा तो हम पब्लिकली दिखा देंगे कितना एडमिशन 1250 में हुआ है। ऑफलाइन में तो जगह नहीं है, पहले दिन पूरा हाउसफुल है आपका, आज तो और बहुत क्राउड था, कुछ लोग लौट भी गए आज, है ना। तो भाई क्वालिटी देते हैं इसलिए थोड़ा लेंगे, है ना। जो रियलिटी है आपको हम बता रहे हैं, है ना। ऑफलाइन में बहुत लोग लौट गए, जगह नहीं मिल पाया आपका, और ऑनलाइन में भी 2-4-10 लोग इधर उधर का कोनों का कमेंट करता हो, कोनों का दलाल होगा, है ना, उल्टा पलटा गाली गलौज लिख देता है ना, बताइए ना, कोई भी होगा। तो हमारा जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे ना, क्वालिटी आपको हम देंगे। 1250 पूरा फाउंडेशन के लिए ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 5500 लोग देता है ऑफलाइन में आपका, है ना। तब तो वो अपना देख लीजिए, अब 2-4 को, है ना, समझे। तो वो चीजें जो है सो है ना। अब किसी से हम कंपेयर भी नहीं करते, फलनवा का इतना है, हमारा ये है, जो हमारा है सो है आपका, है ना, बात खत्म आपका, है ना। आज इसको जुड़ना रहता है जुड़ा है, कईक लोग जुड़ा है, 1000 से ऊपर लोग जा रहे हैं ना, 1250 में लोग ले रहा है जिसको पढ़ना है सो, है ना। बात आप लोग का सपोर्ट है ना, आप लोग के सपोर्ट से हर चीज संभव है। ऐसा नहीं कर रहा मैं अपने बदौलत कर रहा हूँ, आपका सहयोग उसमें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, 30 के पावर इतना का सबसे दाया गैर शून्य अंक कितना है। देखिए, गैर शून्य मतलब समझ रहे हैं, इतना तो कन्फर्म है कि 0 है तो कर लास्ट से कितना आएगा, 0 ही आएगा, और इसके मान में 1 जीरो नहीं आएगा, कै गो जीरो आएगा, 2928 को जीरो आएगा। बात समझिए, यहां पर बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है। 30 के पावर 2928 है, यानी 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 इतना बार, तो जो इसका गुणनफल मिलेगा उसमें पीछे से कै गो जीरो मिलेगा, 2928 को जीरो मिलेगा। तो आपसे कहता है कि गैर शून्य अंक कौन सा, शून्य नहीं, 2928 को जीरो मिलने के बाद जो यहां आएगा ना, जो अंक आपको वो बताना है कितना होगा। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, 3 और गुणा 10 का पावर में हो जाएगा ऐसे 2928। इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 2928 और 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2928 आपका हो जाएगा। बात समझिए, 3 के पावर 2928 और 10 के पावर 2928 आपका, ये चीजें हैं। अब देखिए, इसको आप लेके मत चलो, आप क्यों नहीं लेके चले, क्योंकि ये हमेशा क्या देगा, पीछे से जीरो ही देगा, और आपको क्या चाहिए, गैर जीरो चाहिए, आपको नॉन जीरो नंबर चाहिए। आप देख लीजिए वहां पर नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो इसका इकाई अंक होगा, जो भी इसका इकाई अंक होगा वही हो जाएगा नॉन जीरो, और एक बाद इसके बदले केवल क्या आया है, 0 0 0 आया है। तो आप इसका बस इकाई अंक देख लो, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इकाई अंक निकालने सबको आता है, इकाई अंक निकालना है तो पावर में 4 से भाग करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं और शेषफल पता करते हैं। तो देखिए, 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा शेषफल, और आप इकाई अंक में पढ़े होंगे आप सारे विद्यार्थी की, जब पावर में 4 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तो हम 3 के पावर में 4 लिखते हैं, पावर 4 लिखते हैं, जब जब शेषफल 0 आएगा तो हम पावर में क्या लिखेंगे, 4। अब बोलिए, 3 के पावर 4 81 का इकाई अंक, तो यही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसके बदले आएगा 1, इसके बदले केवल क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0, तो पीछे से नॉन जीरो जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा आपका। कुछ कहना चाहते हैं इसे बोलिएगा, क्या भाई ना, वो सब सेटिंग रहता है ना, फिर निकलेगा। अगर इधर मान लेते हैं कुछ
इतना सारा पावर है, 2, 7, 8, 9 क्या आएगा पते जब नहीं चलेगा तो यहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो कुछ ना कुछ क्लू वहां पर रहेगा जो लगेगा प्रॉपर वे में आपका, है ना। देखिए हमारा ये अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 5/8 पुरुष है, कुल संख्या का 5/8 पुरुष है। आप बताइए ना, 5/8 जो है पुरुष है तो जाहिर सी बात शेष कितना 3/8 महिला है आपका। ये आपका मेल और ये हो गया फीमेल, इतना पुरुष इतना महिला। अब सुनिए, पुरुषों की संख्या का 2/5 नॉन टेक और महिलाओं की संख्या का इतना टेक। तो क्वेश्चन कह रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी यानी टेक्नीशियन है, कितने लोग टेक्नीशियन है आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए पुरुष कितना है 5/8 और इसका 2/5 जो है नॉन टेक्नीशियन है। तो आपको इसी पर बताना चाहिए कि 2/5 नॉन टेक्नीशियन है, 5 हिस्सा में 2 हिस्सा नॉन टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन कितना है 3 हिस्सा, इसका शेष कितना होगा 3/5 जो कि टेक्नीशियन है। तो पुरुष का 3/5 कर दिया तो पुरुष में टेक्नीशियन हो गया, टोटल पुरुष का 3/5 टेक्नीशियन। बोलिए महिला कितना है 3/8 और महिलाओं का 2/3 क्या है टेक्नीशियन है। तो इसका 2/3 कर देंगे तो महिला में टेक्नीशियन पुरुष में टेक्नीशियन दोनों को जोड़ दीजिए टोटल टेक्नीशियन हो जाएगा। सही बात है, ये 3 से 3 खत्म 5 से 5 खत्म, 3/8 और 2/8 जब जोड़ देंगे तो 8 LCM और 3 × 2 = 5/8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। तो फिलहाल आज तो देखे बीसी क्वेश्चन कर दिया ना, काफी गर्ल्स लोग का कंप्लेन है, बहुत लोग आती नहीं है कि बहुत सारी समस्या है, लोग ऑफिस में लोग कह रही थी है ना कि हम लोग को लेट हो जाता है। तो बीसी क्वेश्चन सही है ना, 25 मैंने कर दिया था लेकिन फिर मैंने वापस कम कर दिया ना। चलिए फिलहाल आज की सेवा ही समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे अगली क्लास में, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे खुश रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपका। और बाकी जो भी ऑनलाइन अगर फाउंडेशन मैथ्स करना चाहेंगे तो 6 PM में आपका बैच स्टार्ट हो चुका है अंकुश सर एप्लीकेशन पर बैच।